हाय गाइस, वेलकम बैक टू एशी क्लासेस। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क की, और इसमें हम जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चन जानने हैं तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, यदि ए किसी काम को 30 दिनों में तथा बी उसे 40 दिनों में कर सकता है, तो यदि दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में ये काम पूरा होगा, ये आपको बताना है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, यानी आपको क्या दिया हुआ है, ए का पूरा टाइम दिया हुआ है कितने में काम को फिनिश कर रहा है, इसी तरह आपका बी का भी पूरा टाइम दिया हुआ है कि कितने टाइम में वो काम को फिनिश कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि ए एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो ये आएगा आपका 1/30। ये 1/30 क्या है, वन डे वर्क है, राइट। और इसी को आप इफिशियंसी भी बोलते हैं, यानी इसी को आप क्षमता भी बोलते हैं कि ए की क्षमता इतनी है, और इस तरह बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1/40। और इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हो तो ये ए और बी मिलकर के एक दिन में इतना काम करेंगे। तो आप 30 और 40 का एलसीएम निकाल लो जो कि 120 आएगा, तो 120 में 30 का डिवाइड लगाओगे तो 4 बार जाएगा, और 4 को 1 से गुणा करोगे 4 आएगा, और 120 में 40 का डिवाइड लगाओगे तो 3 बार जाएगा, 3 को 1 से गुणा करोगे तो ये आपका 3 आएगा। तो 4 × 3 = 120, ये जो 7/120 है ये ए और बी मिलकर के एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, राइट। तो अगर हमको पता करना है कि ए और बी मिलकर के इस काम को कब तक फिनिश करेंगे, तो इसका आप रेसिप्रोकल कर लो, यानी 120/7, तो ये कितना आएगा, 7 × 7 = 5 बचा, 50 हो गया, 7 × 7 = 49, फिर 1 बचा जो ऊपर आ गया और 7 आपका नीचे, तो 17 × 1/7 दिन। तो इतने दिन में ए और बी मिलकर के इस काम को फिनिश करेंगे, जो कि ऑप्शन बी में आप यहां पे देख सकते हैं। अगले वाले प्रश्न की बात करते हैं, ए और बी एक काम को 72 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 120 दिनों में कर सकते हैं, और ए और सी उस काम को 90 दिनों में कर सकते हैं, तो वे तीनों एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहां पे ए और बी मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे दोस्त, 1/72। बी और सी मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे दोस्त, 1/120। इसी तरह ए और सी मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/90। तो इन तीनों को अगर आप जोड़ते हो, तो देखो जब इन तीनों को जोड़ोगे आप, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन, तो देखो ए आपका 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है और सी 2 बार आ रहा है, तो ये ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, राइट। तो ये मिलकर के जब आप इन सारे काम को ऐड करोगे जो इनका एक दिन का काम है, तो 1/72, दूसरा आएगा आपका 1/120 और तीसरा 1/90। तो इन तीनों को अगर आप एलसीएम लोगे तो ये निकल के आएगा आपका 360। तो 72 का डिवाइड लगाओगे 360 में तो ये 5 बार जाएगा, तो 5 × 5 = 5, 120 का डिवाइड लगाओगे 360 में तो 3 बार जाएगा, तो 3 × 3, और 90 का डिवाइड लगाओगे तो 9 × 36, तो ये ऊपर 4 × 4 आपका आ गया, बराबर ये आपका कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, राइट, ए प्लस बी प्लस सी। तो अब देखिए ये आपका कितना हो गया, 5 × 3 = 8, 8 × 4 = 12, राइट। तो 12/360 बराबर ट्वाइस ऑफ ए बी सी का मिला करके, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना आ गया है, 12 × 12, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, तो 1/30 आ गया। अब ये 2 भी आपका डिवाइड में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/60। तो ये ए बी सी मिलकर के एक दिन में 1/60 काम कर रहे हैं। तो अगर ए बी सी मिलकर के इस काम को फिनिश करेंगे तो 1/60 का आप क्या कर लो, रेसिप्रोकल कर लो, यानी 60 दिन में ये तीनों मिलकर के इस काम को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, रोहित एक काम को 8 घंटे में समाप्त कर सकता है, वह अपने पिता के साथ मिलकर उसी काम को 3/360 घंटे में समाप्त कर सकता है। तो रोहित के पिता अकेले उसी काम को कितने घंटे में समाप्त कर सकते हैं, यह आपको बताना है। तो देखिए रोहित अकेला 8 घंटे में काम को फिनिश कर रहा है, तो रोहित 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1/8, और वह अपने पिता के साथ मिलकर के 3/360 घंटे में पूरे काम को फिनिश कर रहा है। तो यहां पे रोहित प्लस उसके फादर को मैं पी ले रहा हूं, यानी उसके पिता, तो ये मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, यानी इसको पहले सॉल्व करो, तो 7 × 21 = 21, 3 = 24, तो 24/7 इसका ले लो रेसिप्रोकल, यानी 7/24, ये दोनों मिलकर के, यानी रोहित और उसके पापा मिलकर के एक दिन में 7/24 काम करेंगे। तो अगर मैं यहां पर आर की जगह 1/8 रख दूं, जो कि रोहित के 1 घंटे का काम है, तो ये कितना आएगा, 1/8 + p
बराबर 7/24, तो यहां से पी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 7/24 माइनस 1/8। मैं आपको बता दूं कि जब आप यहां से पी निकालेंगे तो पी निकल के आएगा कि उसके पिताजी, रोहित के पिताजी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, यानी सॉरी एक घंटे में कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि घंटे के हिसाब से आपको दिया हुआ है। तो पी बराबर कितना आएगा, 24 और 8 का एलसीएम ले लो, 24 आएगा, 8 × 3 = 24, 3 × 7 = 21 माइनस 8 × 3 = 24। तो आप माइनस कर दो इसको, ठीक है, एक सेकेंड, एक गलती हो गई, ये आपका एक्चुअली 7 आएगा, क्योंकि 24 का 24 में डिवाइड लगाएंगे तो एक बार जाएगा, एक को 7 से गुणा करेंगे तो 7 आएगा। इसको मैं यहाँ पे दोबारा लिख दे रहा हूँ, कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, 7 माइनस और 8 × 3 = 24, तो 3 × 1 = 3 बट्टे आपका 24 आ गया, और ये पी की वैल्यू है, और पी क्या है कि रोहित के पिताजी एक घंटे में कितना काम कर रहे हैं, राइट। तो ये आपका आ गया 4/24, तो 4 × 4 = 4, 4 × 6 = 24, तो ये कितना निकल के आया पी, 1/6, यानी रोहित के पिताजी एक घंटे में 1/6 काम कर रहे हैं। तो जब वो पूरे काम को फिनिश करेंगे, यानी कि आपको इस 1/6 का रेसिप्रोकल लेना है, तो 6 घंटे में वो इस काम को पूरा फिनिश कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। ए एक कार्य 20 दिनों में, बी वही कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है, यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। तो ए का एक दिन का काम 1/20, बी का एक दिन का काम 1/40, तो ये ए और बी मिलकर के इतना काम एक दिन में फिनिश कर लेंगे, और ये कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 5 दिन तक काम कर रहे हैं। तो इसको आप जितना आएगा उसको 5 से गुणा करेंगे, तो इसका आप एलसीएम लीजिए, तो ये 40 एलसीएम निकल के आएगा, 20 × 40, 2 × 1 = 2, 40 × 40, 1 × 1 into में आपका 5 है, तो 2 × 1 = 3, 3/40 गुणा 5, तो 5 × 5, 5 × 8 = 40, तो 3/8 काम आपका फिनिश हो चुका है, राइट। और टोटल वर्क आप 1 लेके चलते हो, टोटल वर्क मतलब 1, तो 1 में से इसको माइनस कर दो तो आपका रिमेनिंग वर्क आपको मिल जाएगा, यानी 8 − 3 एलसीएम ले लो तो ये कितना आएगा, 5/8, राइट। तो 5/8 भाग अभी काम करना शेष रह गया है, तो ये ऑप्शन कहां मिल रहा है आपको, ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगले वाले प्रश्न की बात करते हैं। अब अगले वाले प्रश्न पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहां पे डीएलएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चाणक्य के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और यहां पे मैं आपको बता दूं मंडे से लेकर के फ्राइडे तक आपको रेगुलर क्लासेस मिलती हैं, संडे को आपको एक टेस्ट देना होता है, वो टेस्ट आपका संडे को होता है, और 8 बजे के टाइम पे आपकी क्लासेस चलती हैं, और एक क्लास जो फ्राइडे वाली है वो आपकी पैडागॉजी की है, वो 7 शाम को 7 बजे आपकी चलती है। और अगर मैं यूट्यूब की क्लासेस की बात करूँ तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोज मिलती हैं मंडे, वेडनसडे एंड फ्राइडे, और सैटरडे को आपकी मैराथन क्लास होती है जिसमें आपको लाइव क्लास में MCQs आपको करवाए जाते हैं हर सब्जेक्ट के, राइट। तो आप यहाँ पे आई होप इसको ज्वाइन करते ही होंगे। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर आप ये कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आपको गूगल प्ले स्टोर से वेश्री क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना होगा, वहां से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके दोस्त, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले प्रश्न की बात करते हैं। अब अगला प्रश्न है, ए एक कार्य के 1/8 भाग को 15 दिन में कर सकता है, बी उस कार्य के 1/6 भाग को 12 दिन में कर सकता है, तो ए और बी दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो देखिए 1/8 भाग वो 15 दिन में कर रहा है, तो काम कंप्लीट कब करेगा, पूरा काम अगर उसको करना हो तो, ये तो 1/8 भाग है, तो यानी उसको बाकी के 7/8 भाग भी करने होंगे। तो सिंपल सा, ज्यादा कोई बड़ा फंडा नहीं है, आप सीधे 15 को 8 से गुणा कर दो तो आपको पता लग जाएगा कि ए कितने दिन में अकेले उस कार्य को फिनिश कर सकता है। तो 15 × 8 = 120, राइट, यानी जो भी वैल्यू दिया उसका रेसिप्रोकल कर दो, फिर उससे मल्टीप्लाई कर दो ताकि आपको रटने की कोई जरूरत ना पड़े। और बी का कार्य निकालना है तो इसे 1/6 का रेसिप्रोकल कर दो, और रेसिप्रोकल करने के बाद उसको 12 से गुणा कर दो, रेसिप्रोकल मतलब उसका व्युत्क्रम लेकर के आपको गुणा करना है। तो ये 6 × 12 कितना आएगा आपका, 6 × 12 यानी 72, राइट। अब आप खुद सोचो ना, 1/8 काम 15 दिन में कर रहा है, तो अगर पूरा काम करना होगा तो सीधी बात है आपको 7/8 भाग और लेने पड़ेंगे, पूरा काम मतलब यानी पूरा एक आपका आना चाहिए, तो 1/8 इतने दिन में, बाकी का बचा 7/8 का भी आप निकाल लोगे। तो सिंपल सी बात क्या है, एक इसको यूनिटरी मेथड से भी आप निकाल सकते हो कि भाई 1/8 काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, तो भाई एक पूरे कंप्लीट काम को कब तक करेगा, 15 × 8, तो ये यूनिटरी मेथड से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो भाई ए 120 दिन में फिनिश कर रहे हैं और बी 72 दिन में फिनिश कर रहे हैं, दोनों मिलकर के कब तक फिनिश करेंगे, तो भाई दोनों का एक दिन का काम निकालो, 1/120 प्लस 1/72, एलसीएम लोगे 360 आएगा, 12 × 3 = 36, 3 × 1 = 3, 72 × 5 = 360,
तो 5 एकम 5, तो 5 3 8, 8 बट्टे 360, तो 8 एकम 8, 8 चक्को 32, फिर 4 बचा 8 पंजे 40, तो यानी 1/45, यानी ए और बी मिलकर के एक दिन में 1/45 काम यहाँ पे फिनिश करेंगे। तो कंप्लीट काम कब होगा इसका रेसिप्रोकल, यानी 45 दिन में ये दोनों मिलकर के काम को फिनिश कर देंगे, जो कि ऑप्शन सी में आप देख सकते हैं। अगले वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले वाले प्रश्न में क्या बोल रहा है, ए एक दीवार 30 दिनों में बना सकता है जबकि बी अकेला उसे 40 दिनों में बना सकता है, यदि वे दोनों मिलकर के उसे बनाएं और 7000 रुपए का भुगतान प्राप्त करें तो उसमें बी का हिस्सा कितना होगा। तो दोस्त ए का एक दिन का काम 130, बी का एक दिन का काम 140, दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, इनको जोड़ लो, तो 3 चक्को 12 और ये 4 3 12, 3 को 1 मतलब 4 को 1 से गुणा करोगे 4 आएगा और 3 को 1 से गुणा करोगे 3 ही आएगा, तो 4 3 7 बट्टे 120, ये ए और बी मिलकर के एक दिन में इतना काम कर रहे हैं। तो अगर मैं ए के हिस्से की बात करूं तो ए का हिस्सा कितना होगा, ए का एक दिन का काम और दोनों का एक दिन का काम अपॉन में, राइट, तो ये एक का हिस्सा निकल के आएगा, तो ये 1/30 और ये गुणा में आएगा 120/7, 0 से 0 कटा, 3 चक्को 12 यानी 4/7 भाग, यानी 4/7 हिस्सा किसका होगा, ए का, और अगर मैं बी का हिस्सा निकालूं तो भाई 4/7 यहां आ गया, 3/7 बी का होना चाहिए क्योंकि भाई टोटल मिलकर के एक मतलब पूरा हिस्सा एक होना चाहिए, उसके दो हिस्से इस तरह हो गए 4/7, अगला 3/7 ही निकल के आएगा, अभी यहां पे देख लो पता लग जाएगा आपको, 1/40 एक दिन बी के एक दिन का काम और टोटल काम जो ए और बी मिलकर के एक दिन में कर रहे हैं वो 7/120, तो आप 140 गुणा कितना आ जाएगा 120/7, तो 0 से 0 कटा, 4 3 12, तो 3/7 हिस्सा किसका होगा, बी का, और पूछ किसका हिस्सा रहा है, बी का हिस्सा पूछ रहा है, तो 3/7 को किससे गुणा कर दो 7000 से, इतना हिस्सा बी का होगा, तो ये कितना आ गया 1000, और 1000 को 3 से गुणा कर दो कितना आएगा 3000, तो 3000 हिस्सा किसका होगा, बी का होगा, जो कि आप ऑप्शन बी में यहां पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से दोगुनी है, तो मान लेते हैं बी की कार्यक्षमता कितनी है 1/x। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर हमको नंबर ऑफ डेज पता हो और उसका हम रेसिप्रोकल करते हैं तो हमें एक दिन का काम मिलता है और उस एक दिन के काम को हम क्या बोलते हैं, कार्यक्षमता यहां पे बोलते हैं। तो यहां पे बी मान लो x दिन में काम को फिनिश कर रहा होगा तो उसका एक दिन का काम कितना होगा 1/x, और यही 1/x के बी की कार्यक्षमता है, तो बी की ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से दोगुनी है, तो ये तो भाई साहब बी की है, तो ए की कार्यक्षमता कितनी होगी 2/x, राइट। अब उसके बाद तथा सी की कार्यक्षमता की आधी है, यानी ए की जो कार्यक्षमता है वो बी की कार्यक्षमता से दोगुनी है तथा सी की कार्यक्षमता की आधी है, तो इसका मतलब सी इसका डबल काम कर रहा है, यानी वो आपका आएगा 4/x, तो ये आपका सी का आ गया, ये ए बी का, ये ए का और ये सी का। अब वो पूछ रहा है तो तीनों द्वारा किसी काम को पूरा करने के लिए लिए गए समय का अनुपात बताइए, तो भाई साहब ए एक्स ले रहा है यहां पे, बी ले रहा है एक्स, राइट, एक्स आपके मतलब डेज ले रहा है, और ए कितना लेगा एक्स बट्टे दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो और इसका भी रेसिप्रोकल कर दो, तो ये मिल जाएगा आपको कि सी इतने दिन ले रहा है, सॉरी एक्स बट्टा चार आएगा आपका, एक्स ऊपर चार नीचे, तो भाई इनका रेशियो निकाल लेते हैं, तो एक तो आपका एक्स कैंसिल हो गया, तो ये कितना है 1/2 रेशियो में एक, और ये आपका आएगा कितना 1/4। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो आप, एलसीएम 4 आएगा, तो यहाँ पे आपका आ गया 2 × 4 तो 2, और यहाँ पे 1 को 4 मतलब 4 में 1 का भाग लगाओगे 4 बार जाएगा, तो 4 × 4 और 4 का 1 में 4 का 4 में 4 × 4 तो 1 को 1 से गुणा करोगे 1 आएगा। अब ये 4 जो है बेटा वो सभी के नीचे आएगा, मतलब इसके रेशियो में भी 4 है, ऐसे मतलब मैं ऐसे बता दूं आपको 2/4, 1/4 और 1/4, तो 4 सबका कट गया, बचा कितना, अच्छा ये ऊपर ऊपर भी 4 है, माफ कीजिएगा ये 4 है यहाँ पे, तो ये 4 से 4 सबका कट गया, तो ये बचा कितना आपका 2:4:1, तो ये आपका रेशियो यहाँ पे बनेगा, तो कहाँ है ये आपका 2:4:1, ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 20% अधिक है, मान लेते हैं भाई साहब जो बी की कार्यक्षमता है वो 1/x है और ए की कार्यक्षमता इस बी से 20% अधिक है, तो ये 1/x अपने आप में 100% है, तो 20% अधिक है मतलब, तो ये हो जाएगा 120/100x, नीचे x होगा, राइट, और इस अभी इसको रेशियो नहीं लगाते हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ए की कार्यक्षमता, अच्छा जबकि c की कार्यक्षमता ए की कार्यक्षमता से 50% कम है, यानी पहले इसको सॉल्व भी कर लो आप, 0 से 0 कटा, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, राइट, तो ये 6/5x नीचे आ गया, ये आपका बी का हो गया, ये ए का, ये बी का, और सी की कार्यक्षमता ए से 50% कम है, यानी ए की आधी है,
तो इसका आधा कितना होगा भाई, 3/5x, आधा मतलब 2 से भाग देना है, तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा। तो ये क्या आ गई, कार्यक्षमता आ गई सी की। अब वो बोल रहा है तो किसी काम को पूरा करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात निकालो, तो भाई साहब इसका रेसिप्रोकल कर दो, 5x/6 और ये x और ये 5x/3, अब ले लो इनका रेशियो, तो एक तो x से x आपका कैंसिल हो गया, अभी कितना आ गया 5/6, ये 1 और ये कितना आ गया 5/3, तो भाई साहब एलसीएम सबका कितना आएगा, ये नीचे 5 नीचे 6 और यहाँ पे 3 है, तो भाई साहब सबका एलसीएम कितना आएगा 6, तो 6 × 6 यानी 5, यानी 6 × 6 तो 1 को 5 से गुणा करोगे 5 आएगा, यहाँ पे 1 है तो 6 में 1 का भाग लगोगे 6 बार जाएगा, 6 × 6 फिर रेशियो 3 × 6 तो ये 2 × 5 = 10 हो जाएगा, और इसका मतलब ये है 5/6 रेशियो 6/6 रेशियो 10/6 राइट, तो ये 6 से 6 आपका कट गया, तो ये कितना आ गया 5:6:10, तो इस रेशियो में आपको आंसर मिलेगा। तो ये कहाँ पे मिल रहा है आपको, 5:6:10 ऑप्शन ए में आपको देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि एक्स व्यक्ति एक काम को 8 दिन में तथा x+4 व्यक्ति उसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं तो एक्स का मान आपको बताना है कितना होगा। तो देखिए आपको मैं एक चीज बता दूं कि यहां पे जो ये आपका रेशियो बनेगा, एक्चुअली मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं कि यहां पे अगर नंबर ऑफ डेज बढ़ा दोगे, राइट, नंबर ऑफ डेज बढ़ा दोगे यानी अगर कम लोग होंगे तो नंबर ऑफ डेज ज्यादा लगेंगे किसी काम को पूरा करने में, और अगर आप नंबर ऑफ मैन बढ़ा दोगे तो आपके नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे, यानी अगर मैन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ डेज कम होंगे और अगर मैन घटेंगे तो नंबर ऑफ डेज क्या होंगे आपके, बढ़ जाएंगे। तो आपका कैसा रिलेशन है, आपका इनवर्स प्रपोर्शन है, राइट, यानी व्युत्क्रमानुपाती आपका यहाँ पे संबंध निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला होता है a1b1 = a2b2, तो यहाँ पे a मान लो हम लेके चल रहे हैं व्यक्तियों को, तो x व्यक्ति कितने में फिनिश कर रहे हैं 8 दिन में, b लेके चल रहे हैं हम कि कितने डेज में वो फिनिश कर रहे हैं, तो x × 8, अब a2 यानी ये व्यक्ति कितने हो गए x+4, तो x+4 व्यक्ति कितने में कर रहे हैं 6 दिन में काम को फिनिश कर रहे हैं, तो × 6, अब आपके पास एक इक्वेशन बन गया, इसको खाली सॉल्व करना है, तो ये 8x = कितना आएगा 6x + 24, तो 8x - 6x कितना आएगा 2x = 24, तो यहां से x का मान कितना आ गया 12, राइट, आपसे पूछा है x की वैल्यू यहां पे आप बताइए, तो x का मान कितना आ गया यहां पे 12 निकल के आ गया, जो कि ऑप्शन सी में आप यहां पे मैच करा सकते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, राइट, इसका मतलब है क्या, ए और बी मिलकर के एक काम को, यानी ए और बी मिलकर के एक काम को 3 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो ए और बी मिलकर के 1 दिन में कितना काम करेंगे, 1/3 काम करेंगे, बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद मान लेते हैं काम, अच्छा उसने एक चीज और बोली है, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं किंतु 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था। तो दोस्त मान लेते हैं ए एक्स दिन में काम को पूरा करता है और बी वाई डेज में काम को पूरा करता है, तो ए का 1 दिन का काम 1/x और बी का 1 दिन का काम 1/y, राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ए का 1 दिन का 1/x और बी का 1 दिन का 1/y, तो ये 1 दिन का ए और बी का मिलाकर के काम हो गया, राइट। अब ये क्या कर रहे हैं, देखो एक चीज समझना है यहाँ पे, मैंने एक ही जगह यहाँ पे 1/x रखा और बी की जगह 1/y रखा और यहाँ पे a=2 में कितना रख रहा हूँ 1/3, एक तो आपको ये एक क्वेश्चन मिल गई। दूसरी चीज वो क्या कह रहा है कि भाई, दूसरी चीज वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि 1/x ए ने किया, 1/y बी ने किया और दोनों ने मिलकर के 2 दिन तक 7 काम किया, राइट, 2 दिन तक उन्होंने मिलकर के 7 काम किया। अब क्या बोल रहा है, जरा बात को ध्यान से समझना, प्लस अब बी ने काम को छोड़ दिया है, 2 दिन के बाद बी ने काम को छोड़ दिया है, भाई साहब जब बी ने काम को छोड़ दिया है उसके बाद क्या बोल रहे हो, किंतु 2 दिन बाद बी ने काम को छोड़ दिया, यदि पूरा काम करने में 2 दिन और लग गए, तो भाई साहब पूरा काम करने में 2 दिन और लग गए लेकिन वो 2 दिन काम कौन करेगा, ए, भाई बी ने छोड़ दिया, ए को तो करना पड़ेगा ना, तो 2 दिन काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है, ए का 1 दिन का काम कितना है 1/x, उसको 2 से गुणा कर दो, तब जाके आपका काम कंप्लीट हो रहा है, काम कंप्लीट हो रहा है मतलब वो 1 आएगा, जहां पे काम कंप्लीट हो रहा है मैं बोल रहा हूं तो वहां पे उसका मतलब क्या है 1 मतलब काम कंप्लीट हो गया। तो यहां पे 1/x + 1/y की वैल्यू कितनी है 1/3, तो ये 2/3 हो जाएगा, क्योंकि 2 × 1/3 क्या देगा आपको 2/3, तो डायरेक्टली मैं 2/3 ले रहा हूं, प्लस 2/x बराबर कितना आ गया 1, तो यहां से आप इस इक्वेशन का यूज करके यहां से x का मान बड़े प्यार से आप निकाल लेंगे, तो 2/x कितना आएगा 1 - 2/3, तो 2/x = 1 - 2/3 कितना आएगा
एक बट्टा तीन, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप एक्स का मान निकाल लो कितना आएगा, छह। यानी ए जो है वो छह दिन में काम को अकेले कर सकता है, लेकिन पूछ रहा है वो बी की बात, तो बी कब करेगा, तो भाई साहब क्या है आपके पास, एक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में आप एक्स की वैल्यू डाल दो, मैं इसको यहां पर डाल देता हूं, तो यह आएगा एक बट्टा छह प्लस एक बट्टा वाई बराबर एक बट्टा तीन। तो यहां से एक बट्टा वाई कितना निकल के आएगा, एक बट्टा तीन माइनस एक बट्टा छः, एलसीएम लो छः आएगा, तीन दोना छः, छः कम छः, तो ये आपका आ गया एक बट्टा छः, यानी वाई की वन बाय, तो वाई कितने दिन में फिनिश करेगा काम को, तो वाई उसको छः दिन में यहाँ पे कंप्लीट कर देगा, राइट। तो यहाँ पे उसने पूछा ही है, सॉरी वाई नहीं बी, मतलब वाई की वैल्यू सिक्स है, तो बी उस काम को छः दिन में कंप्लीट कर देगा, क्योंकि हमने माना हुआ है कि बी वाई डेज में काम को फिनिश कर रहा है, राइट। तो इस तरह से आपका जो आंसर आया वो निकल के आया छः दिन, और ए का भी देख सकते हैं आप, ए का भी छः दिन निकल के आया, तो दोनों ने, अगर देखो आप इसको कंफर्म भी कर सकते हो, दोनों को आप जब जोड़ोगे ना एक दिन का काम, तो एक बट्टा छः प्लस एक बट्टा छः कन्फर्मेशन के लिए ऐसी, तो ये आपका छः एलसीएम, तो ये दो बट्टा छः आया, तो दो एकम दो, दो तीन छः, तो भाई साहब दोनों के मिलकर के, दोनों मिलकर के एक दिन में एक बट्टा तीन काम कर रहे हैं, और आपका इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो आप देख सकते हैं मतलब ए बी छः दिन में, अगर वो यहाँ पे पूछता भाई बी का नहीं ए कितने दिन में काम को फिनिश करेगा, तो ए बी यहाँ पे छः दिन में ही काम को फिनिश करेगा, फिलहाल उसने बी का पूछा है, तो बी यहाँ पे छः दिन में काम को फिनिश करेगा। तो आई होप गाइस ये सारे क्वेश्चन आपको ढंग से समझ में आ गए होंगे, तो जो लोग यहाँ पे डीएलएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी आपके फ्रेंड लोग हैं, तो उनको आप इस सेशन को शेयर कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे हमारे साथ चाणक्य के बैच में जुड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड करनी होगी, जिसका नाम है वेश्या क्लासेस ऐप, और वहां से आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो गाइस मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।